बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको बाइलुबा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, दोस्तों इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। तो होम्योपैथी की मेडिसिन जिनको बाइलुबा, ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और अगर किसी को मेंटल वीकनेस है या माइंड की वीकनेस है, माइंड की कमज़ोरी है, या मेंटल जो भी स्ट्रेस इंसान रहता है, या बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान वर्क करता है जिसकी वजह से उसकी जो नींद है, जो उसको जो नींद वो फुलफिल नहीं होती, इंसोमनी का इशू देखने में आता है, या अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना वर्क करना पड़ता है, मेंटल जो है ना उसमें एक एंजाइटी डिप्रेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट का माइंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन और उसमें एक जो है ना बहुत ही गुस्से वाला माइंड पेशेंट रखता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ दोस्तों ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, और उसके साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखती है, जिसकी वजह से अगर किसी को चेहरे के ऊपर ग्लो का जो है ना वो अच्छे से नहीं आ रही, या पेशेंट का जो है ना फेस जो है ना उसमें एक ग्लो नहीं है और पेशेंट का जो एक चमकदार फेस जो है ना वो नज़र नहीं आता, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको एक क्रॉनिक डिजीज की वजह से जो है ना पेशेंट उसकी एक इम्यूनिटी ओवरऑल जो है ना जिस्म की वो लो हो गई हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर किसी को स्पाइनल कार्ड में वीकनेस की वजह से जो है ना एक बैकिक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ओवरऑल दोस्तों ये मेडिसिन हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है, और जो बॉडी की स्किन की जो ग्लोइंग है, स्किन की जो चमक है, उसको वापस लाने के लिए जो एंटी एजिंग के तौर पर भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम माइंड के सिम्टम की तरफ देखें तो ये हमारे माइंड पर बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको माइंड में जो है ना माइंड से मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, जैसे उनको एक डिमेंशिया का डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, अल्जाइमर डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी पेशेंट को जो चीज़ें भूलने की टेंडेंसी है वो बार बार जो है ना रिकरेंट उसको पेशेंट को जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे टीचर जिन जो पढ़ते वक्त या पढ़ाने वक्त जो उनको एक बार बार जो है ना एक रिकरेंट जो एक जो लेक्चर है वो तैयार करने में जो है ना वो डिफ़िकल्टी जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ब्लड जो माइंड होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इजाफा करती है, और ब्लड सर्कुलेशन इजाफे के साथ साथ जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे माइंड में उसमें भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो माइंड जो दिमाग में न्यूरॉन होते हैं उनको ये स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ है, ओवरऑल जो दिमाग की जो एक हेल्थ है उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो बार बार भूलने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक अल्जाइमर डिजीज़ का जो है ना एक इशू वो भी देखने में आता है, और ये ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट है उसको मेंटल वीकनेस का इशू देखने में आता हो, दिमागी कमज़ोरी का इशू देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को बार बार चीज़ें भूलने की वजह से या पेशेंट को याद करने में जो है ना एक डिफ़िकल्टी जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना जब भी पेशेंट बार बार चीज़ें रिकरेंट याद भूलेगा तो उसके साथ मेंटल दिमाग में जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस और एक डिप्रेशन वाला माइंड जो है ना वो देखने में आता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको इंसोमनिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जब भी पेशेंट सुबह उठता है तो उसको जो उसकी जो नींद है वो फुलफिल नहीं होती है, और चेहरा जो है ना पेशेंट का वो एक उसमें एक
वीकनेस जो है ना वो नुमाया नज़र आती है। तो ऐसे केस में ये इंसोमिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये हमारे माइंड पे ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है, डिमेंशिया डिजीज में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, इंसोमिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये अल्जाइमर डिजीज में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। थोड़ा सा नीचे आइज के फंक्शन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनका जो वीएन है उसमें एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आ रही हो, जिनको जो एक नज़र है वो दिन ब दिन जो है ना वो कम हो रही हो, आइज जो है ना उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो एक वीएन है उसमें एक कमी वाकया हो रही हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ओवरऑल बॉडी की मसल्स में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो मसल्स हैं वो दिन दिन जो है ना वो कमज़ोर हो रहे हों और बॉडी की जो हेल्थ है ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो रही हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को इजाफा करती है और सर्कुलेशन के इजाफे के साथ साथ जो एक ऑक्सीजन का लेवल है हमारे जिस्म में वो बूस्ट अप होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको मुख्तलिफ किस्म के जो मसल्स में पावर है वो इम्प्रूव होती है। और उसके साथ अगर किसी को जो है ना एक लकवा का इशू जो है ना वो देखने में आता है, पैरालिसिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो नर्व की ताकत है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो एक पैरालिसिस का जो सिम्टम है पेशेंट को देखने में आता है तो उसको भी इम्प्रूव करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को लकवा का इशू है और पेशेंट के जो आई लैशेज होते हैं वो ऊपर की तरफ जो है ना वो खुद खुद नहीं होते, यानी उसमें एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये अगर किसी को एज के साथ साथ जिसम में वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, कमज़ोरी देखने में आती हो और मसल्स में एक जो है ना एक पतलापन जो है ना वो देखने में आता हो, एक खिंचावट जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मसल्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को जो है ना वे बढ़ाती है। और उसके साथ दोस्तों ये अक्सर क्रोनिक डिजीज़ में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें एक कोरिया हो गया या फिर अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है या फिर अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना एक ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव आर्गन पे जो है ना एक कोल्डनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे मेल जिनमें जो एक इन्फर्टिलिटी का इशू देखने में आता हो, इनकी जो पीनिक्स में जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम हो, उसमें एक कोल्डनेस जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना आफ्टर एज के साथ साथ पेशेंट को उसमें एक वीकनेस कमज़ोरी जो है ना वो देखने में आती हो, तो जो कि ये मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है ये बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको जो जिनके पीनिक्स में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो पीनिक्स का साइज है वो रिड्यूस हो गया हो, तो ये पीनिक्स के साइज को इन्हेंस करने के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है जिनको एक पीएमएस के बाद जो है ना मेनोपॉज, जिनके जो ऐसी फीमेल जो कि 45 या 50 एज के जो है ना वो नज़दीक पहुंची हो, जिनको जो मेंसेस जो है ना वो ले बहुत ही कम आते हों या बंद होने के करीब हों, तो उसके वजह से जो पेशेंट को हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से जो है ना एक माइग्रेन का इशू देखने में आता हो, एक जो है ना एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर उसको जिस्म के हार्ट फ्लैशेज जो है ना वो चेहरे पर वो आते हों, या फिर जिस्म पर जो फीमेल है उसको एक अब्डोमन में फ्लटरनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, उसके जो सिम्टम है मुख्तलिफ किस्म के, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये मेल में जो पेनिस का साइज है उसको बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये ऐसी डिजीज जो कि एक क्रॉनिक डिजीज होती है और उस डिजीज के बाद पेशेंट को जिसम में एक वीकनेस का इशू देखने में आता है, वो देखने में आता हो, एक डायबिटी का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी अगर किसी को डायबिटीज का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, या फिर अगर किसी को HIV यानी एड्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे एक ऐसी अस्थमा का इशू देखने में आता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन है। अगर किसी पेशेंट को इस कंडीशन के बाद जो है ना पेशेंट जिसमें वीकनेस का इशू देखने में आता है, तो जो इस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऐसी तमाम डिजीज के बाद पेशेंट को ऐसे जिसमें जो है ना एक इम्प्रूवमेंट लाती है, ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है, इम्यूनिटी है, वीकनेस है उसको इम्प्रूव करती है, डायबिलिटी को इम्प्रूव करती है, तो ये ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो दोस्तों मैं बताती हूँ मेडिसिन जिनको बाइलूबा ये एंटी एजिंग के तौर पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे लोग जिनकी एज बहुत ही कम होती है लेकिन उनके चेहरा जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा एज का जो है ना वो दिखाई देता है, यानी कि जिनके चेहरे में एक ग्लोइंग नहीं होती, एक शाइनिंग नहीं होती और जो चेहरा है उसमें एक पेलनेस जो है ना वो वाजह दिखाई देती है, और उसके साथ चेहरे में जो है ना एक वीकनेस कमी और चेहरे की ग्लोइंग जो है ना वो कम होती है और चेहरे में एक मुरझाया हुआ चेहरा जो है ना पेशेंट का वो दिखाई देता है। तो ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखती है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक चेहरे के स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है और चेहरे के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो मरझाइयाँ शाइयाँ या फिर अगर किसी को एक रैशिक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों जब हम देखते हैं वो मैथी मेडिसिन जिनको बाइलूबाई से हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों मैं बैठी की मेडिसिन जिनको बाइलूबाई से हम डिमेंशिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो अल्जाइमर डिजीज में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन इंसोमिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, एक जनरल टॉनिक के तौर पे भी ये मसल्स को गेन कवर करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये क्रोनिक कंडीशन के बाद ओवर बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी डायबिटीज़ के केस में या फिर अगर किसी को HIV हुआ है या फिर अस्थमेटिक कंडीशन हुई है या फिर अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू है या फिर पैरालिसिस का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये आइज़ की विजन को बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन चेहरे में चेहरे को ग्लोइंग स्किन जो है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों जब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जिनको बाइलूबाई से हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जिनको बाइलूबाई से हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्राफ्ट जो है ना वो 3 टाइम जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करने से ये मेडिसिन जो है ना ऐसे तमाम कंडीशन में जिसमें जो पेशेंट को जो मेंटल वीकनेस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो है ना एक इंसोमनी का इशू देखने में आता है या फिर एक बार बार भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को मेल में जो है ना पीनिक्स का साइज जो है ना वो बहुत ही कम है, उसमें कोल्डनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।